नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य की है? देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, अरुणोदय योजना किस राज्य की है। तो देखो अभी हाल ही में असम की सरकार इस योजना को 1 दिसंबर को यानी आज इसको लॉन्च करेगी, याद रखेगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें असम राज्य के अंदर तकरीबन 18 लाख फैमिली को इससे फायदा होगा। इनके सीधे अकाउंट में 830 रुपये हर महीने डिपॉजिट करा दिए जाएंगे। मकसद एक है कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना असम सरकार के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब असम की बात हुई है, असम की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये असम है, इसकी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इधर ये मेघालय के साथ और इधर पश्चिम बंगाल के साथ, इन सभी के साथ असम की सीमा टच होती है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, गारो हिल्स ये कहाँ पर है? क्या ये असम में स्थित है? जी नहीं, ये मेघालय में स्थित है। गारो खासी और जयंती हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, ये मेघालय में है। अब देखो इसमें असम की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल क्या है, असम की जो कैपिटल है यह है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये हमने अभी पिछले स्लाइड पे तस्वीर में देखा था। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन कोटेश्वर सिंह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा है, बताइए। देखो ये जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है ना, इसको हर साल पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा, IEP है क्या ये, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा इसे एनुअली पब्लिश किया जाता है। अब इसमें पूछा गया है 2019 में आतंकवाद से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो इसका आंसर है ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है इराक, तीसरे नंबर पे है नाइजीरिया और चौथे नंबर पे है सीरिया। देखो हमने इसे रैंक वाइज में लिखा है, पहले पे अफगानिस्तान, दूसरे पे इराक, तीसरे पे नाइजीरिया और चौथे पे सीरिया। बात करें भारत की, तो भारत को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 8वीं रैंक, भारत 8th रैंक पर है। देखो इंडिया की भी रैंक आपको याद होना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है, तो इसमें भारत की 8वीं रैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप अफगानिस्तान की लोकेशन देख लीजिए। देखो अफगानिस्तान की जो ये लोकेशन है ना, ये है सेंट्रल एशिया में। कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल है काबुल। और देखो इसकी सीमा जो भारत का POK वाला एरिया है उसके साथ लगती है। अगर बाउंड्री की बात करें तो अफगानिस्तान की बाउंड्री POK के साथ तकरीबन 106 किलोमीटर के करीब लगती है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान की सीमा समुद्र के साथ टच होती है, नहीं, ये नीचे पाकिस्तान है और इधर ये ईरान है। अफगानिस्तान की सीमा इसके साथ टच नहीं होती है, समुद्र के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, न्यायमूर्ति बिजॉय कृष्णा पटेल को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जस्टिस बिजॉय कृष्णा पटेल को ओडिशा का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा आप ये बताइए, ये जो ओडिशा का ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 27 नवंबर 2000 में, और इसने काम करना स्टार्ट किया कब से, काम करना स्टार्ट किया 11 जुलाई 2003 से। अब बात हुई है इसमें ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आप पहले। देखो ओडिशा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, चार राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। अच्छा ये बताइए आप, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ओडिशा में ही स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट डैम देख लीजिए, जैसे हीराकुंड डैम, मंदिरा डैम और रंगाली डैम, ये तीनों डैम ओडिशा में ही स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करेगा? तो देखो भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान में
ये सहतूत डैम की मतलब इसका निर्माण करेगा। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसे किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा, तो देखो काबुल रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मैदन रिवर, फिर से बोलता हूँ मैदन रिवर के ऊपर इसे बनाया जाएगा सहतूत डैम को। इससे क्या होगा, काबुल वाले एरिया में जो वाटर का मतलब वाटर क्राइसिस है, उसकी कमी है, तो उसको इस सहतूत डैम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और अफगानिस्तान के बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में इसके बारे में पूरी लोकेशन और इसकी डिटेल देखी थी कि इसके प्रधान सॉरी इसके राष्ट्रपति कौन है और इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल की बात करें, देखो एक बार और देख लेते हैं, कैपिटल है इसकी काबुल और राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और कस्टमाइज्ड लर्निंग अचीवमेंट पाथ मॉड्यूल को लॉन्च किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा कि फोर्थ क्लास से लेके सेवन्थ क्लास तक के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये तकरीबन 18 लाख स्टूडेंट हैं, इनको इससे फ़ायदा होगा। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का कर्नाटक सरकार का ये मकसद है कि ये जो 18 लाख से ऊपर स्टूडेंट हैं, इनकी जो पढ़ाई है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इस कोविड 19 की सिचुएशन में। इनको घर पर ही मॉड्यूल दे दिया जाएगा और ऑनलाइन तरीके से इनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसको पूरा किया जाएगा। अब इसको लॉन्च किया है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर है ना कर्नाटका में, कौन, एस सुरेश कुमार, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसे डिजाइन किया गया है समग्र शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। तो याद रखेगा सी कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर वाजुभाई वाला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, इन छह राज्यों के साथ कर्नाटका की सीमा लगती है। 31 जिले हैं, एक जिला तो अभी बना है हाल ही में। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75। हाईकोर्ट की बात करें, बैंगलोर में इसकी हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभय श्रीनिवास ओका। अच्छा आप ये बताइए नागरहोल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो देखो नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटका में स्थित है, याद रखेगा इंपोर्टेंट है। और ये बताइए कृष्णा राजा सागर डैम ये कहाँ पर है, ये भी कर्नाटका में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने तिसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो अभी हाल ही में रशिया ने ये तिसरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो सिर्फ इंडिया की जो मिसाइल है ना उसी के बारे में आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत है, लेकिन बस इतना याद रखें कि दूसरे देश की मिसाइल का नाम क्या है, तिसरकोन, और इसके बारे में पूरी डिटेल जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखें ये जो तिसरकोन मिसाइल है ना, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको रशिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब बात हुई है रशिया की, तो रशिया की लोकेशन देखिए आप पहले। देखो रशिया क्या है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, मतलब इसकी बाउंड्री दो कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, कौन कौन सा, एक है एशिया और इधर है यूरोप, जिसे बोलते हैं यूरेशिया। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन। देखो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ लगती है और ब्लैक सी के साथ लगती है, तो हाँ जी इसकी बाउंड्री ब्लैक सी और कैपिटल ये कैस्पियन सी दोनों के साथ रशिया की बाउंड्री टच होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कुल 650 विश्वविद्यालय में कितने भारतीय संस्थानों का चयन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 107। एशिया में बात करें तो लगातार तीसरी बार नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को चुना गया है। देखो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को इस डिस्कशन में कवर किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हावेरी रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, अब देखो ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी कर्नाटका की सरकार ने ये घोषणा की है कि ये हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महादेवप्पा मालेरा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। महादेवप्पा ये कौन थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, अब इन्हीं के नाम पर इस हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका के बारे में हमने अभी पिछली स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है, तो देखो अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, जयपुर में, और जयपुर को
पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कब किया इसने ये किया है, नेशनल ऑर्गन डोनर डे के मौके पर 27 नवंबर को ये बनाया जाता है नेशनल ऑर्गन डोनर डे। और किसने किया है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब बात हुई है इसमें राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। पहले आप कैपिटल की बात करें, अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना जयपुर इसकी कैपिटल है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पांच राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। 33 जिले हैं लोकसभा के, 25 सीटें राज्यसभा की, 10 विधानसभा की, 200। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में हाईकोर्ट है, इंद्रजीत महंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखो बात हुई है इसमें किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान में ये बताइए, राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, तो देखो रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। उसी प्रकार से भरतपुर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और सरिक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब राजस्थान में ही स्थित हैं। अगर डैम की बात करें तो माही बजाज सागर डैम, बिसालपुर डैम और जवाई डैम और राणा प्रताप सागर डैम ये चारों डैम राजस्थान में ही स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे ग्लोबल स्ट्रोक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में जयराज डॉक्टर पांड्यान को ये ग्लोबल स्ट्रोक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो ये अवार्ड इनको दिया गया कब, जब वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस और यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअली मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, और वहीं पर इनको ये जयराज डॉक्टर पांड्यान को ये ग्लोबल स्ट्रोक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो जयराज डॉक्टर पांड्यान है ये वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन WSO के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं WSO के। अब बात करें WSO वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, देखो ये मेडिकल एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट मेडिकल एसोसिएशन, जो काम करती है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट और प्रिवेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसका गठन किया गया था कब, 2006 में दो बॉडी थी, एक थी ISS मतलब इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी और दूसरी बॉडी थी WSF मतलब वर्ल्ड स्ट्रोक फेडरेशन। इन दोनों को मिलाकर एक नाम रखा गया वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन, 2006 में इस बॉडी का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब एक रिविजन क्वेश्चन देख लीजिए आप, रिविजन क्वेश्चन ये है, कल हमने डिस्कस किया मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो अभी हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होती उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।